सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं NH200 और बजाज पल्सर RH200 के बारे में। सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपैरिजन के बारे में, दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बजाज पल्सर अपनी जो NH200 है वो आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,40,000, 1,40,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। एंड अगर बात करें ड्यूक 200 के बारे में तो ड्यूक 200 एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,91,000, 1,91,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस फर्क होता है। दोस्तों NH200 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,70,000, 1,70,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बात करें ड्यूक 200 के बारे में तो ड्यूक 200 ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,25,000, 2,25,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। मतलब दोस्तों अगर आप दोनों बाइक का प्राइस कंपैरिजन करते हो तो आपको ड्यूक 200 लेने के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना वर्थ है नहीं है, इसके बारे में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अब दोनों बाइक के इंजन के बारे में, इंजन कंपैरिजन के बारे में, दोनों बाइक के बारे में सबसे अच्छा बात सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों NH200 में इंजन टाइप में आपको बताना चाहूँगा, 4 स्ट्रोक SOSG 4 वॉल्यूम लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग BSI BS6 GT SI FI जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें ड्यूक 200 के बारे में तो ड्यूक 200 में सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्यूम लिक्विड कूल FI DOS यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों एक तरफ है SOS इंजन और एक तरफ है DOS इंजन, तो भाई कहीं ना कहीं ड्यूक को इसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन पावर के बारे में, दोनों बाइक में आपको बताना चाहूँगा 199.5 cc का जो इंजन है वो यूज़ किया गया है। बात करें दोस्तों पावर के बारे में, NH200 में मैक्सिमम पावर में अराउंड 24.5 का PS पावर है जो कि 9,750 RPM में पावर जनरेट करता है। एंड ड्यूक 200 में 25 का PS पावर है जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करता है। यानी कि दोस्तों दोनों बाइक का अगर आप पावर कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा, 0.5 की पावर आपको ड्यूक में ज़्यादा मिलती है। NH200 में 18.7 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, ड्यूक 200 में 19.5 का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। मतलब ड्यूक 200 में अराउंड 0.8 के आसपास की जो आपको जो टॉर्क है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, बस इतना ही का आपको पावर का फर्क देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि भाई ड्यूक इतनी अच्छी परफॉर्म कैसे करती थी, कि ड्यूक का परफॉर्मेंस करने का सबसे बड़ा रीज़न है बॉडी टू वेट रेशियो। उस बाइक का जो बॉडी टू वेट रेशियो है ना भाई वो बहुत ही कम है, इस वजह से दोस्तों वो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म कर पाती है। बाकी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाइक में आपको कोई भी मतलब एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिलता, बस ये है कि लाइट वेट है तो थोड़ी सी वो अच्छी परफॉर्म करती है। कूलिंग सिस्टम में आपको दोनों बाइक में लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। फ्यूल सिस्टम में आपको दोनों बाइक में FI यानी कि फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाता है। दोनों बाइक में आपको बताना चाहूँगा नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, दोनों बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों दोनों ही बाइक में आपको स्लीपर कलर का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता। सो मुझे लगता है कि दोनों ही बाइक में यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, स्लीपर क्लच में काम करना चाहिए। सो ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। जैसे आप लोगों ने देखा कि दोनों बाइक में पावर में आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, हल्का फुल्का पावर का आपको दोनों बाइक में फ़र्क देखने को मिलता है। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों बाइक बहुत अच्छी है और आई थिंक दोस्तों आपको मेरे हिसाब से दोनों बाइक में दोनों बाइक बेस्ट आपको मिलेगी। लेकिन ये है कि जो ड्यूक 200 है उसका जो इंजन है कहीं ना कहीं DOS इंजन होने की वजह से थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। सो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा माइलेज के बारे में, देखिए KTM ड्यूक 200 अराउंड 35 के आसपास का माइलेज निकाल कर देती है और ड्यूक 200 अगर 35 का माइलेज निकाल रही तो ऑब्वियसली बात है NS भी आपको 35 के आसपास का माइलेज निकाल कर देगी क्योंकि सेम इंजन यूज़ किया गया ऑलमोस्ट। 0 to 100 में दोस्तों आपको बता दूँ ड्यूक 200 को अराउंड 9.92 सेकेंड के आसपास लगते हैं और NS को अराउंड 10.2 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। बात करते हैं टॉप स्पीड के बारे में तो ड्यूक 200 वही 135 to 140 जाती है, NS भी लगभग 140 के आसपास की टॉप एंड जाती है। चलिए आ जाते हैं फ्रंट में, सबसे पहले बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। अब दोस्तों सस्पेंशन में यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है।
NH200 में आप लोगों को नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेसिक से सस्पेंशन है। बट अगर बात करें ड्यूक 200 के बारे में, तो ड्यूक में भैया आपको अपसाइड डाउन यानी कि USD फॉग सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो आपको ये ड्यूक 200 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग में भी दोस्तों ड्यूक 200 बहुत बेहतर है। पहले टायर जान लीजिए, NS में आपको फ्रंट में 180 का टायर मिलता है, ड्यूक 200 में आपको 110/70 का जो टायर है वो देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में ये है कि यार NH200 में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें अपनी ड्यूक के बारे में, तो ड्यूक में दोस्तों आप लोगों को डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि ड्यूक 200 का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। ऑब्वियसली बात है यार, सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम और डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम में फ़र्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात करें ब्रेकिंग प्लेट्स के बारे में, तो NS में भी 300mm की प्लेट मिलती है, ड्यूक में भी आपको 300mm की प्लेट मिलती है। बट ड्यूक में आपको एक और एडवांटेज है, किसमें आपको 4 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलते हैं और NS में आपको 2 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक आपको फ़र्क जो है ज़रूर मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के लाइट्स के बारे में। अब दोस्तों लाइट्स में भी ना दोनों बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलता। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को NH200 में जो लाइट देखने को मिलती है फ्रंट में, वो आप लोगों को बाइक में हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक फिलहाल इसमें आपको LED लाइट देखने को नहीं मिलता। और अगर बात कर ले अपनी KTM ड्यूक के बारे में, तो KTM ड्यूक 200 में भी आप लोगों को हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। मतलब लाइट में आपको कोई ज़्यादा फर्क जो है वो दोनों बाइक में देखने को नहीं मिलता। हालांकि जो टर्न सिग्नल लैंप है वो ड्यूक में LED मिलती है और NS में आपको वो भी बल्ब देखने को मिल जाती है। जाते हैं दोस्तों दोनों बाइक की रियर में। रियर में आपको दोनों बाइक में जो सस्पेंशन मिलेंगे, सॉरी रियर में टेल लाइट आपको दोनों में LED देखने को मिलती है। रियर में आपको ड्यूक में 150/60 के टायर मिलते हैं, NS में आपको 130/70 के टायर मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अपनी जो ड्यूक है वो टायर में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी आपको एज़ कम्पेयर टू NH200। बात करें रियर प्लेट के बारे में, तो रियर में दोनों बाइक में 230mm की प्लेट मिलती है। ड्यूक 200 में रियर में WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, NS में आपको नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं NS के जो सस्पेंशन है वो ठीक ठाक है, बट ड्यूक के थोड़े से ज़्यादा बेटर आपको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब दोस्तों स्पीडोमीटर में सबसे पहले आप अपनी यार NH200 का स्पीडोमीटर देख लीजिए। NH200 में आप लोगों को एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। हालांकि जो फीचर आपको NH200 के स्पीडोमीटर में भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बाइक में आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट अब जो फीचर है, एक तो आप उसको इसमें गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, एयरेस फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी नहीं मिलता और डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर बात कर ले अपनी यहाँ पे ड्यूक 200 के बारे में, तो ड्यूक 200 में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों, फुली डिजिटल मीटर यहाँ पे यूज़ किया गया और फीचर इसमें जाते हैं। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये वो फीचर है जो दोनों बाइक में मिलते हैं। बट गियर इंडिकेटर ड्यूक में मिलेगा, NS में नहीं मिलता। डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर मिलेगा, प्लस इसमें आप लोगों को एयरेस फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीचर आपको ड्यूक में मिल जाएगा। बात कर ले दोनों बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, NH200 की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की है, ड्यूक 200 की 13.5 लीटर की। NH200 का जो कर्व वेट है वो 156 kg का, ठीक है, ध्यान रखिए कर्व वेट है इसका 156 kg का और ड्यूक का लगभग 159 kg का। NH200 की सीट हाइट है 805mm की, ड्यूक 200 की अराउंड 822mm की। अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आप NS ही लेना, ड्यूक के बारे में बिल्कुल ना सोचना। सो ये था दोस्तों बजाज पल्सर NH200 वर्सेस KTM ड्यूक 200 के बारे में कंप्लीट आपको कंपैरिजन मैंने दिया है। बाकी दोस्तों अगर आप दोनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन करते हैं कि भाई दोनों में हमें खरीदनी कौन सी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिपेंड करता है आपका बजट कि भाई आपके पास पैसे कितने हैं। जितना आपके पास बजट होता है उसके हिसाब से आप किसी चीज़ को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बजट पे आप पे पहले डिपेंड करता है, क्योंकि 50,000 रुपये का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो दोस्तों ड्यूक 200 मेरे हिसाब से वो भी अच्छी बाइक है, NS भी बहुत बेहतर है, बट NH200 थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताइएगा कि आपके हिसाब से दोनों में कौन सी बेहतर बाइक है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।